और मंच से ही मेरे को धमका रहे थे, धमकाने की भाषा में, इस बार मेरे को टिकट दोगे कि नहीं दोगे। तो मैंने कहा टिकट देने वाला मैं कौन होता हूँ जी, टिकट तो पार्टी तय करती है जी कि आप ये सीमा विमा तोड़ देना 75 साल वाले। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मिले होंगे, उनको लग रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा उसी प्रोग्राम में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ करते थकते ही नहीं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। तो राजनीतिक मुद्दा हो गया ना फिर, तो जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ही उनको टिकट मिल रही है, तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। बीकानेर के एक मंत्री ने भी जो है आपके खिलाफ आरोप लगाया। अब उनको भी पता नहीं क्या सूझी है। देखिए, उन्होंने एक बाबा साहब का नाम लिया उसमें आलोचना में। मैं बचपन से ही बाबा साहब को जीता हूं, उनका आचरण अगर कभी प्रेस करूंगा ना तो बचपन से खोलूंगा उनके, एक एक तार है मेरे पास उनके। लेकिन हम नहीं, इतना गिरना नहीं चाहते राजनीति में, हम हमारी एक राजनीति का स्तर रखना चाहते हैं। एक बाबा साहब के पास आदमी गया तो उसने कहा, तो कथनी और करनी में फर्क होता है, सबसे बेईमान आदमी वो होता है। ये बाबा साहब ने खुद ने कहा है, कोट किया है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तो मेरे बारे में यहां तक कह दिया कि एक लास्ट उनकी बुक है ये मैनिफेस्टो फॉर चेंज। मैं तो पार्टी को भी धन्यवाद करता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक मैनिफेस्टो फॉर चेंज करके लिख के उसमें जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए पंच से पार्लियामेंट तक, उसमें मेरा जिक्र है। अच्छे जो सरपंच है उनका भी जिक्र है, अच्छे जो जिला प्रमुख है उनका भी जिक्र है, अच्छे जो मंत्री है उनका भी जिक्र है उस किताब में, और अच्छे जो एमपी है उसमें भी जिक्र है। 5-7 एमपीओ का ही तो जिक्र है उसमें, उसमें मेरा जिक्र कर रहे हैं। मेरे को रिश्तेदार हैं क्या एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन वो मेरा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ये देश विकसित भारत बने, ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे तब बनेगा, ऐसा कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और ये क्या कह रहे हैं गोविंद राम जी, भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा टिकट भेज दो चुपचाप, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं जयपुर में भी नहीं आऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्षेत्र में, क्षेत्र में आया तो मैं चुनाव लड़ लूंगा तुम्हारा, नहीं आया तो जनता का जो हुक्म होगा वो करूंगा। क्या मजा आता, किस किस तरह के लोग बैठे हैं, कैलाश मेघवाल के मुकाबले अर्जुन लाल मेघवाल चोर नंबर एक, बढ़िया आगे बढ़िए, एमपी बढ़ गया, मंत्री बढ़ गया। मैं लिखता हूँ देखिए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, क्या कहते हैं इसके लिए सुनना पड़ेगा। तो सकारात्मक जवाब नहीं आया तो अपने कोई नहीं है, सच बोलने में किसी से नहीं डरते, आज तक भी नहीं डरा।